नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं राजस्थान की 20 बड़ी खबरों के साथ। सरकार बदलते ही पिछले फैसले बदलना गलत परंपरा, वसुंधरा राजे ने कहा। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी से बड़ा फेरबदल, 15 जिलाध्यक्ष बदले गए। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से अब तक 72 की मौत, अब तक 1856 पॉजिटिव केस आए सामने। शीतलहर की चपेट में राजस्थान, मौसम विभाग ने पाला पड़ने की जताई संभावना। राजस्थान के डिप्टी सीएम पायलट पहुंचे अलीगढ़, 50 दिन से धरने पर बैठे किसानों की सुनी समस्याएं। स्वास्थ्य मंत्री बोले, ब्लड सैंपल का कलेक्शन बढ़ाओ। डॉक्टर ने कहा, सर ब्लड सैंपल नहीं, स्वाब लेते हैं। जिंद रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव खत्म, 31 को आएंगे रिजल्ट। वसुंधरा राजे ने कहा, सरकार बदलते ही पिछले फैसले, बदलना गलत परंपरा। राजस्थान में नारकोटिक्स के अतिरिक्त कमिश्नर घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। 400 करोड़ का मालिक निकला आईआरएस सहीराम, दौसा से लड़ना चाहता था लोकसभा चुनाव। देश में पिछले कुछ वर्षों में गठबंधन सरकारों ने किए बड़े बदलाव, कपिल सिब्बल ने कहा। गहलोत व पायलट ने आय गारंटी योजना की घोषणा को ऐतिहासिक बताया। जीएसटी पर किताब लिखने वाले आईआरएस अफसर के पास मिली 100 करोड़ रुपए की संपत्ति। जयपुर के स्कूल में बम की अफवाह से हफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जोधपुर आ रहे हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में यहां कड़ाके की ठंड के कारण पहली से पांचवी तक के बच्चों की छुट्टी, 15 दिन के लिए स्कूल बंद। राजस्थान में स्वाइन फ्लू के आगे चिकित्सा विभाग पस्त, 28 दिनों में 75 लोगों की मौत। राजस्थान जमा कई जगह पारा माइनस में, सीकर में ठंड ने तोड़ा 16 साल का रिकॉर्ड। हार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर होगी भाजपा की जीत, जावड़ेकर ने कहा। सीएम गहलोत ने जोधपुर में संभाला अपना अस्पताल, 5 साल से रुका हुआ काम शुरू हो गया। तो ये थी राजस्थान की 20 बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।